इस विषय पर डिटेल में जानकारी देने के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर और इम्पोर्टेंट मांग लेकर आपके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता श्री मोहन प्रकाश जी, हमारे प्रवक्ता आपके बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आदरणीय मोहन प्रकाश जी से आपको संबोधित करें। मित्रों, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के निर्देश पर और AICC के आह्वान पर पूरे देश के पैमाने पर हर विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना जो मोदी सरकार की, केंद्रीय सरकार की है, इसके विरोध में धरना, प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का काम आज 3500 जगह की सूचना अब तक आ चुकी है कि इतने विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस जनों ने और युवाओं के साथ मिलके धरना, प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए। अब जो देश भर में आक्रोश है, खासतौर से युवाओं में, मोदी सरकार की एक खासियत है कि वो कोई भी कार्यक्रम या योजना लेके आते हैं, उसके परिणामों की समीक्षा बाद में करते। इस मामले में भी न विशेषज्ञों से राय ली गई, न सैनिक जो बड़े अधिकारी हैं उनको, उनसे राय ली गई, और न युवाओं से कभी लिया गया, न संसद में इस पर बहस हुई, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंज कर रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि और भी योजनाएं, जो चाहे वो नोटबंदी की हो और चाहे वो GST का हो, जो पूरे देश को जिन्होंने प्रभावित किया, यहां तक कि आपने देखा कोरोना में भी लोग तड़प रहे थे, सरकार नहीं आ रही थी, एक विभाग का एक अधिकारी सामने आके रोज बता रहा था। तो आज भी सरकार खुल के सामने नहीं आ रही कि इसके लाभ और हानि या ये फैसला लेना क्यों पड़ा है, और आज इसका नतीजा है कि जो हमारी सीमाएं हैं, मोदी जी के मित्र हैं चाइना के राष्ट्रपति, मोदी जी के मित्र के भाई प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान में, किस तरीके से वो अपने आधारभूत ढांचे को हमारी सीमाओं पर बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी सेनाओं का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि ये पहला मौका नहीं है इस देश की सेनाओं को कमजोर करने का। मोदी सरकार के द्वारा इसके पहले भी एक नहीं, अनेकों इस तरीके के कदम उठाए गए हैं जिससे भारतीय सेना की शक्ति कमजोर हो। जैसे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और सबका निगमीकरण करके निजीकरण कर रहे हैं। सेनाओं से संबंधित जितने भी बड़े प्रतिष्ठान हैं उन सबका निजीकरण कर दिया। ऐसा लगता है कि जो काम कोई देशभक्त नहीं कर सकता, कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो भारतीय सेना की के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप गोला बारूद तैयार करते थे, उनको आप दूसरे प्राइवेट हाथों में दे रहे, कोई देशभक्त ये काम कर सकता? लेकिन मोदी सरकार ने ये काम किया। चाहे DRDO को कमजोर करना हो या अर्थ मूवर्स का हो, दसियों जो जो सेना को सप्लीमेंट करते थे जो निजी सार्वजनिक क्षेत्र में, उन सबका निजीकरण करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और दूसरी तरफ इस देश के अधिकांश प्रदेशों में भी नौजवानों को जो बंद करके रखा है, हमारी मांग है कि उनको छोड़ा जाए, उनसे वार्ता किया जाए, उनकी तकलीफ को सुना जाए, और जो उन पर क्रूर दमन किया है उस पर सरकार आए, क्योंकि इस योजना के बारे में आपने संसद में भी चर्चा नहीं की।
विशेषज्ञों से भी चर्चा नहीं की। आखिर इस मुल्क में लोकतंत्र है ना, तो उन सबको विश्वास में लेके आपको कोई कार्यक्रम रखना चाहिए था। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है वो सीधे सीधे है कि प्रधानमंत्री जी आप इस योजना को वापस लीजिए, और इसके साथ साथ जो नौजवान जेलों में हैं इनको रिहा किया जाए, इनसे वार्ता किया जाए, क्योंकि इनका भविष्य अंधकार में है। और सीधे सीधे है कि जो दुनिया की ताकतें भारत के गौरवशाली सेना के परंपराओं और उसके इतिहास के खिलाफ है, भारत उनकी साजिश का शिकार हो रहा है। क्योंकि हमने आपको 3-4 कदम बताए कि इन कदमों से भारत की जो सेनाएं हैं वो कमजोर होंगी। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अग्निपथ नहीं है, ये इस देश के नौजवानों का भविष्य के लिए, सेनाओं के, हमारी सेनाओं और हमारी सुरक्षा के लिए अंधकार पथ है। अंधकार पथ, अंधकार पथ, अंधकार पथ। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल वापस लिया जाए, और कांग्रेस पार्टी इस देश के युवाओं को, इस देश की जो सेना में जो लोग हैं जो बलिदान दे रहे हैं, उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये देश का और देश की सुरक्षा का, सीमाओं का, देश की जिसको कहते हैं इज्जत का सवाल, प्रतिष्ठा का सवाल है, और नौजवानों के भविष्य का सवाल है। इस पर कांग्रेस पार्टी लगातार संसद में भी, सड़क पर भी, नौजवानों के बीच में भी इसको लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और हम पुनः राष्ट्रपति से भी इसीलिए ज्ञापन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप इस योजना को वापस लीजिए। आपके सवाल हैं आप पूछ लीजिएगा, और सिर्फ विषय पर रहिएगा, हम दूसरे कोई सवाल आज नहीं ले पाएंगे। कोई सवाल तो है नहीं? मैंने आपको उदाहरण दिया, क्या कोई देशभक्त 41 की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में जो सामान बनता था वो भारत की सेनाओं के अनुरूप बनता, आवश्यकता के अनुरूप बनता था, क्या कोई देशभक्त उनको बेच सकता है? और उसी के साथ साथ एक नहीं अनेकों जो रक्षा मंत्रालय, अरे सुरक्षा की जो हमारी फौज की को की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सामाजिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में जो इस तरह की संस्थान थे उनका निजीकरण कर रहे। राफेल का भी अगर आप उदाहरण लें तो यूपीए के समय में वो यहां बननी थी, लेकिन आप उसको वहां बना रहे। तो लगातार अगर सेना की ताकत को कमजोर किया जाएगा तो सेना कमजोर होगी, और सेना कमजोर होगी तो ये मुल्क कमजोर होगा, ये हमारा कहना। यही उनकी खासियत है। कोरोना में अधिकारी को सामने कर रहे थे, जब वो आते थे तो थाली बजवाते थे हमसे, और लोग देश करा रहा था, और अभी भी सरकार का फैसला है, सरकार को सामने आना चाहिए। और अगर आप ये कहते हैं कि सेना के लोग आ रहे हैं, तो सैकड़ों सैकड़ों जिन्होंने अपना जीवन भारतीय सेना को दिया है वो लगातार लगातार जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि इससे पूरे देश की सेना को घातक, बहुत बड़ा घातक कदम सरकार ये उठा रही है। जो विशेषज्ञ भी हैं जिन्होंने 30-30 साल इस देश की सेनाओं में काम किया है, जिन्होंने 2-2, 3-3 युद्ध लड़े हैं, वो लोग आज ये कह रहे हैं कि कृपया ये काम मत करिए, नहीं तो ये देश के लिए और देश की सेवाओं के लिए और देश की सेनाओं के लिए ये बहुत ही बहुत घातक कदम भविष्य के लिए होगा। ठीक, और कोई सवाल? थैंक यू।